हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज काफी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं अपने एक क्रिएटिव फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं आपके साथ चलूंगी, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे एंड देखेंगे कि कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। हमने ऑब्वियसली बात काफ़ी बार की है, बट मिल में फर्स्ट टाइम रही हूँ। तो लेट्स सी के कैसा टर्न आउट होता है, क्या होता है, सब कुछ आपके साथ होगा। तो लेट्स गो। तो फटाफट से मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। सीमा, शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड उनका चैनल भी मैं लिंक कर दूंगी, तो आप देख लेना कि कैसा है क्या है। आप बताना चाहोगे आपका चैनल किस बेस पे है? या माय चैनल नेम इज सीमा सत्या ब्लॉग एंड यू डेफिनेटली विजिट माय चैनल एंड आई लव टू। हम लोगों का जो मीटिंग था वो बहुत ऑसम रहा। इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एंजॉयड अ लॉट विद द फूड विद द कंपनी। सो नेक्स्ट टू नेहा। सो ये था हमारी मीटिंग, फर्स्ट टाइम हमने मीट किया था एंड देट वॉज सो अमेजिंग एंड वी लव्ड इट। बहुत एंजॉय किया हमने, पूरा दिन साथ में बिताया एंड वी एंजॉयड अ लॉट। सो यहाँ मैं घर पे आ गई हूँ एंड हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने इतने अच्छे से बातें की, ऐसा लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम हम मिले हैं। काफी सारी हमने बातें की, इनफैक्ट पूरा दिन हमने साथ में स्पेंड कर लिया और समझा ही नहीं। हमें लगा था कि 1-2 घंटे हम मैक्सिमम बात कर लेंगे, बिकॉज मुझे लगा था पता नहीं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनको, मैं जानती नहीं, वो मुझे जानती। ऑफकोर्स हमने कॉल पे बात की थी, बट देन टू पर्सनली तो मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी। तो लेकिन बहुत मजा आया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले। एंड देन उनके घर भी गए थे हम, एंड मतलब मैं उनके घर भी गई थी एंड वहां पे भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले हमने रेस्टोरेंट में काफी देर बैठे थे, फिर एट लास्ट हमको ऐसा लगा कि अब उठ जाना चाहिए, तो हम उठ गए एंड देन हम गए उनके घर एंड वहां पे भी हमने काफी बात की। देन उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया मुझे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। लुक, वेट, मैं बता देती हूँ। सो उन्होंने ये प्लांट गिफ्ट किया है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, लुक एट दिस, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसका नेम तो मुझे याद नहीं, उन्होंने बताया था बट मुझे याद नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी क्या नेम है। बहुत अच्छा लगा, मतलब दैट वाज अ वेरी गुड जेस्टर। उनको प्लांट्स का बहुत शौक है, मैंने उनके घर पे देखा, ओ माय गॉड, इतने सारे प्लांट्स थे ना। उन्होंने बहुत सारे इनके नेम्स भी बताए थे, मुझे याद तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज मुझे प्लांट्स की जीरो नॉलेज है और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, शी इज वेरी गुड इन दैट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उनके प्लांट्स देख के भी बहुत अच्छा लगा, लाइक ऐसे हैपनिंग वाली फीलिंग आई। तो वैसे लोग कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री वाले लोग कभी दोस्त नहीं होते, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज उन्होंने और मैंने इतना टाइम स्पेंड किया एंड हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात कभी नहीं हुई, बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही स्मूथ था। ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अब मैं फटाफट से सो जाती हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, फटाफट से सो जाती हूँ और मिलते हैं आपसे कल। बाय, गुड नाइट। The next day. So hi guys everyone. Today आज मैं जा रही हूँ बारबेक्यू नेशन, तो let's take you all together कि कैसा वहाँ पे experience होता है। तो let's go.
इस तरीके से हम जाके आए, काफी एंजॉय किया वहां पे। एंड अगर आप जा रहे हो या आपने कभी गए हो या फिर आप जाने वाले हो, ऑफ कोर्स एक बार विजिट जरूर करना, इट इज वर्थ इट आई थिंक सो, बिकॉज कुछ 850 रुपीज या ऐसे समथिंग लगते हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग, मतलब अनलिमिटेड फूड है, बहुत सारा खाना है, ऑफकोर्स आपको जो पसंद है आप वो यूज खा सकते हैं। एंड सेकेंड चीज ये कि अगर वहां पे आप जा रहे हो तो मस्ट ट्राई दही के शोले, दैट वॉज द नेम ऑफ द डिश, वो जरूर से खाए, मतलब इतना टेस्टी खाना ना, इतना टेस्टी डिश मैंने अब तक नहीं खाया, मतलब वो मुझे इतना पसंद आया ना, लिटरली इन लिटरल सेंस वो बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स ऑयली है, बट ठीक है यार, कभी कभी तो ठीक है, चलता है यार, मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे खाया था, तो या दैट वाज अ गुड थिंग, मैं काफी टाइम से हेल्दी खा रही हूँ, एंड ठीक है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके। तो फिर मैंने वो खाया तो मुझे बहुत पसंद है, ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारा था, बट मुझे, मैं इतना सारा नहीं खा सकती थी, तो मैंने हमने शेयर करके ही खाया, बट दिखाया आपको सब कुछ जितना मोस्टली दिखा सकती थी, मैंने सारा कुछ दिखाया। स्वीट्स थे बहुत सारे, लेकिन मैं स्वीट नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे कोई टाइप की स्वीट्स नहीं पसंद है, मतलब थोड़ा सा वियर्ड है बट इट्स ट्रू, मुझे स्वीट्स नहीं अच्छे लगते, तो मैंने कोई स्वीट्स नहीं खाए। हाँ, पेस्ट्री था तो मैंने वो खाया, पाइनएप्पल पेस्ट्री वॉज गुड इन कंपेरिजन विथ चॉकलेट, तो अच्छा था, फ्रेश था, अच्छा लगा। सेकेंड चीज की सर्विस भी अच्छी थी, मतलब आप जितनी बार मंगाना है मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो ग्रिल देते हैं स्टार्टिंग में वो भी बहुत अच्छा था, मतलब वो भी कैसा कि आपको जितनी बार जो मंगाना है आप मंगा सकते हो, रिपीट करवा सकते हो बार बार, इट कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना खाना चाहते हो। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, इफ यू गो मतलब खाली पेट ना तो यू विल एंजॉय इट। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लंच टाइम पे जाएं, डिनर टाइम पे ना जाएं, क्योंकि इतना हेवी खाना, आई बिलीव लंच टाइम पे इज बेटर ऑप्शन देन डिनर टाइम। एंड लंच टाइम पे आप नाश्ता सुबह जल्दी उठ के कर ले और उसके बाद कुछ ना खाए, और उसके बाद वहां पे भरपेट खाना खाए, तो यू कैन लाइक कम्प्लीटली पैसा वसूल। एंड जो फूडी है, जो बहुत खाना पसंद करते हैं, जिनकी एपेटाइट अच्छी है, या फिर जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, काफी खाते हैं, या आराम से एंजॉय करके खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, तो आप आराम से बैठ के एंजॉय करके खा सकते हो, तो उस टाइप का लाइक उस टाइप के लोगों के लिए वो काफी इंजॉयबल होगा। एंड या तो बड़े लोगों का कुछ 850 के अराउंड है, और फिर कुछ टैक्सेस लगते हैं उस अराउंड, एंड बच्चों लोगों का कम है, कुछ 450 या 425 के अराउंड है, आई एम नॉट श्योर, बट कम है, मैंने ऐप पे देखा था, तो या वो मतलब ये पैकेज होता है तो आप जा सकते हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा ही था, तो आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा ये वीडियो। सो या दैट वॉज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ न्यू हो मेरे चैनल पे तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्द से सब्सक्राइब करो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।